क्या ये स्वादिष्ट कैरेट पैनकेक्स की खुशबू है? ये कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी स्पाइस्ड वार्म एप्पल सिडार की खुशबू। और ये स्मेल है धुएं की। धुआं, धुआं, रैडी। हाँ, तुमने बेड में ब्रेकफास्ट देने का सरप्राइज खराब कर दिया। Well, good morning, Rarity. Dad, Mom. मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट स्वीटी बेल ने अकेले बनाए हैं। मुझे लगा ही था। मुझे नहीं पता था कि आप जूस को भी जला सकते हैं। उसे मैंने सिखाया है। मुझे लगता है हमारी छुट्टियां खत्म होने से पहले उसे फैंसी कुकिंग में अपना क्यूटी मार्क मिल जाएगा। छुट्टियां? क्या वो इसी हफ्ते हैं? मतलब अभी इसी वक्त से शुरू है? मैं गेस करती हूँ एप्पल सॉस। नहीं, जूस। हम दोनों बहनें साथ मिलकर बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगी। मैं जाकर डैड की गाड़ी से अपना सामान उतार लेती हूँ। तो एक हफ्ते से आपका मतलब है, क्या ये पूरे 7 दिन है? और 6 रातें, जानती हूँ। अपनी छोटी बहन के साथ बिताने के लिए ये वक्त बहुत कम क्या है। क्या तुम ये खाने वाली हो? पर मुझे बहुत सारे काम है। ओह गॉड, मुझे लगता है अपनी बहन के साथ वक्त बिताना भी काम की लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए। बस जरूरत का सामान। अब चलो किचन की सफाई करते हैं। सफाई? पर हमने तो अभी खाना भी नहीं खाया। ओह सुनो स्वीटी बेल, मुझे खुशी हुई, लेकिन हम ये ब्रेकफास्ट नहीं खा सकते, ये जल गया है। ये इतना भी जला नहीं है। चिंता मत करो डियर, मैं अभी अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मैं कुछ मदद करूँ? बिल्कुल, बस एक मिनट स्वीटी बेल, जरा मैं तैयारी शुरू कर दूं। रैरिटी, मैं तुम्हारी मदद करने वाली थी ना? तुम कर रही हो, तुम कर सकती हो प्लीट्स को गार्निश। तुम्हारा मतलब ये पत्तियाँ? ठीक है, अब धीरे से, इसे बिल्कुल अच्छे से रखना है, कोई जल्दी नहीं है। नहीं, बहुत ही आराम से। वापस पीछे लो। हमें इसे बिल्कुल परफेक्ट रखना है। बुरा नहीं है। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। क्या तुम इन गंदे टॉवल्स को लॉन्ड्री रूम में ले जा सकती हो? नो प्रॉब्लम, मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। स्वीटी बेल, कहा था ना कोई काम ढूंढ ही लूंगी। सरप्राइज। सच में तुमने मेरा बहुत महंगा वन ऑफ अ काइंड डिजाइनर क्रोशेट वूल स्वेटर भी धो दिया। तुम्हें पता है इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है? बात क्या है? बात ये है कि सूरज की गर्मी में ऊन सिकुड़ जाता है। ओह, सॉरी। वे काम पर वापस चलते हैं, मुझे कुछ बनाना है। सॉरी। अब और कोई मुसीबत मत करना प्लीज। मुझे बस अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा करना था। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। रैरिटी का काम कब खत्म होगा? और कोई मुसीबत मत करना, ओके? मैं ड्राइंग करने के लिए कभी मुसीबत में नहीं पड़ी। इसमें कुछ और लगाने की जरूरत है। हाय रैरिटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्राइंग। ओ नहीं,
क्या तुमने जेम्स का इस्तेमाल किया? Well, हाँ, पर मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अपने वर्क रूम में और भी हैं। ये बहुत ही कीमती बेबी ब्लू सफायर्स थे। मुझे इनकी जरूरत थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के लिए आउटफिट तैयार करने में। सॉरी स्वीटी बेल, मैं तुम्हारा आखिर क्या करूँ? हम साथ मिलकर पेंटिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, गाना गा सकते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। अब मुझे बाहर जाकर ऐसे और जेम्स ढूंढने पड़ेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं, नो थैंक यू। तुम मदद कर सकती हो इन पेपर्स को उठाकर रखने में, सफाई से। पेंस को जाकर उसी जगह रख दो जहाँ से तुमने ली थी, और प्लीज कुछ ऐसा काम ढूंढो जिसे समेटने में मुझे मुश्किल ना हो। गड़बड़ हो गई, क्या मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती? स्वीटी बेल, मैं आ गई। स्वीटी बेल, सरप्राइज। क्या किया मेरे इंस्पिरेशन रूम का? ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? जब मैंने तुम्हारे रूम में इतना कचरा देखा तो मैंने सोचा साफ कर दूं। वो कचरा नहीं था, मैं उसे वैसे ही रखती थी। मैंने अभी नई फैशन लाइन की प्लानिंग खत्म ही की थी और तुमने वो सब कुछ फेंक दिया। पर जब मैं कचरा फैलाती हूँ तुम नाराज होती हो। पर ये मेरे घर में मेरा कचरा था और अब मुझे सब वापस शुरू करना होगा। मुझे लगा इससे तुम्हें खुशी होगी। खुशी? खुशी? मैं मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रैरिटी के साथ रुकना कैसा चल रहा है? क्या बहुत जोरदार। हाँ, काश हम साथ मिलकर कुछ ऐसा कर पाते जिसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। दिस इज टू सोशल एप्पल जैक और मैं हर साल ये करते हैं। तुम रैरिटी के साथ मिलकर सब सिस्टर्स की टीम के साथ मुकाबला कर सकती हो। लगता है हम अच्छा वक्त बिता पाएंगे। रैरिटी को ये जरूर पसंद आएगा। क्या बकवास आइडिया है, एक कॉन्टेस्ट स्वीट एप्पल लेकर्स में। ये सुनने में थोड़ा सफाई वाला नहीं लगता। तो क्या हुआ, अब तुम्हें फिर से कचरा पसंद नहीं है? स्वीटी बेल, जरा तमीज से, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। सही कहा, और हर वो बहन जिसे अपनी बहन की फिक्र है वो वहाँ जरूर जाती। स्वीटी बेल, सच में मिट्टी में ये बेकार गेम्स खेलना बहुत ही खराब है, चाहे वो बहन के साथ हो या बहन के बिना। अच्छा ठीक है, तो फिर शायद मुझे सिस्टर ऑफ सोशल में तुम्हारे बिना ही जाना होगा। दरअसल मैं अपनी पूरी जिंदगी एक बहन के बिना गुजारूंगी। तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ वाकई? जरा एक बार इस घर की तरफ देखो, अगर मैं बहन नहीं होती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। लगता है हम दोनों किसी बात में एक जैसे ही हैं। हम दोनों को ही बहन नहीं चाहिए। डील, डील, गुड बाय ना बहन। गवार, उसने कहा सिस्टर हूफ सोशल गंदा है। हाँ गवार। एक मिनट, गवार का मतलब क्या होता है? सिर्फ सोशल ही नहीं, उसे लगता है मैं भी गवार हूँ। हानी, रैरिटी को लगता है बाकी सब लोग गवार हैं। गवार क्या होता है? जिसे तमीज नहीं होती, मतलब बुरे मैनर्स वाला। हाँ बिल्कुल सही। स्वीटी बेल, रैरिटी को थोड़ा वक्त दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बस रैरिटी जैसी बहनों को छोड़कर। अब चलो भी, एप्पल ब्लूम और मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तुम मदद करोगी? तुम्हें यकीन है तुम्हें मदद चाहिए? मैं हर काम खराब करती हूँ। ओह कम ऑन, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो वो अच्छा कैच था एप्पल ब्लूम। ये काम है, हम खराब एप्पल्स बेच नहीं सकते, इसलिए हम पिग्स को खिलाने के लिए जमा करते हैं।
ये बहुत मेहनत वाला काम है, इसलिए हमने इसे गेम बना लिया। कोशिश करोगी? ओके। आउच! सही कह रही हो, ये मेहनत का काम है, इसलिए तो हम ये करते हैं साथ मिलकर। रैरिटी कोई काम साथ मिलकर नहीं करती। इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई, सब स्वीटी बेल की वजह से। ओह माय, आमतौर पर ये कमरा बिखरा हुआ रहता है। आइडिया, ये तो जीनियस है। इसका नाम मैं रखूंगी फुल स्पेक्ट्रम फैशंस। अगर स्वीटी बेल ने ये नहीं किया होता तो वेल, जो भी हो, उसे मुझे पूछे बिना मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। एप्पल ब्लूम, तुम्हारी बारी। तुम बना रही हो ग्रेप जूस? अगर मैं रैरिटी के कीमती कपड़ों के पास ग्रेप जूस ले जाऊं तो वो फैशन पुलिस को बुला ले। वेल, ये तो बिल्कुल बकवास है। एप्पल ब्लूम, प्लीज एप्पल जैक, उसने जानबूझकर। अब तुम्हें ये ग्रेप्स कैसे लग रहे हैं बदमाश कहीं की? अब चलकर इन कपड़ों को धो लेती हूँ मेरी शानदार नई डिजाइन्स के लिए। ओह, मेरी फेवरेट स्वेटर। मुझे यकीन नहीं हो रहा स्वीटी बेल ने ऐसा किया। ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे स्वीटी बेल जानती थी कि ये स्वेटर तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, और उसे शुक्र मनाना चाहिए कि उसकी इस बददिमाग हरकत का अंजाम इतना भी बुरा नहीं हुआ है। एप्पल ब्लूम, मैं संभाल लूंगी सिस्टर। वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक ही पोनी है। ये हाँ, बहुत अच्छे सिस्टर। वो आराम से भी कर सकती थी। रैरिटी कभी मुझे हाई हूफ नहीं करती। परफेक्ट, बस एक और लगाते ही ये पूरा हो जाएगा। स्वीटी बेल, उसका वो बेकार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्रोजेक्ट कहाँ है? ओह स्वीटी बेल, मेरी इकलौती बहन, ये मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे साथ जो वक्त बिता सकती थी वो लड़ने और शिकायत करने में ही बर्बाद हो गया। मैं कितनी बुरी हूँ। नहीं, मुझे उसे वापस लाना होगा, उसे वापस लाना होगा। सेलेस्टिया की तरह मैं कभी बिना बहन के नहीं रहूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वीटी बेल, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं कह रही थी। हेलो ना बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरा संभाल कर, कहीं तुम पर मिट्टी ना लग जाए। ओ स्वीटी बेल, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे अपनी बहन के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी अपनी बहन के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एप्पल जैक और एप्पल ब्लूम ने मुझे ये एहसास दिलाया। ओ स्वीटी, तुम्हें पता नहीं मुझे ये सुनकर कितना अच्छा। और इसीलिए मैं एप्पल जैक को अपनी बड़ी बहन बना रही हूँ। क्या क्या क्या? अच्छी बहन वो होती है जो एक बहन का ख्याल रखे, बिल्कुल एप्पल जैक की तरह। जरा आराम से स्वीटी बेल, जरा सोच समझ कर बोलो तुम। और वो मेरी बड़ी बहन है। हाँ, या शायद उसे तुम्हारी बड़ी बहन होना चाहिए ताकि वो तुम्हें बता सके अच्छी बहन कैसे बनते हैं। दरअसल मैं, मुझे अच्छी बहन बनने के लिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं वादा करती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगी मेरी फेवरेट डिश कैसे पकाते हैं, या फिर मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ अपने बाल कैसे बनाते हैं। इसमें कितना मजा आएगा। तुम चाहती हो मैं घर चलूं ताकि हम वो करें जो तुम करना चाहती हो? हाँ, भूल जाओ, हम अभी भी बहने हैं, है ना? वेल, मेरा माफी मांगना बेकार साबित हो गया। एप्पल जैक, तुम इतनी अच्छी क्यों हो कि तुम्हारे सामने मैं बुरी बन गई? ओ रैरिटी, एक बार फिर तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। बहन होने का मतलब है दोनों के बारे में सोचना।
तुम बहुत कुछ ले रही हो पर बदले में तुम उसे कुछ नहीं दे रही। बेशक मैंने दिया, मैं उसे देती हूँ छोटे मोटे काम। पर तुम ये दिल से नहीं करती। बहन होना है बिल्कुल एप्पल पाई की तरह। तुम्हारे पास शानदार एप्पल्स हैं और बहुत अच्छी कुरकुरी क्रस्ट भी है, पर उन्हें साथ में मिलाकर ही तुम एप्पल पाई बना सकती हो। पर अलग अलग हम बस पिलपिले सेबों का ढेर और सूखी कुरकुरी क्रस्ट हैं। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, बस कहीं देर ना हो गई हो। वैसे अच्छा है कि आज यहाँ पर रैरिटी नहीं आई, वरना मैं इस कॉन्टेस्ट में भी गवार पना दिखा देती। सरस पिग का साइज तो देखो, वो बहुत ही क्यूट है। रैरिटी ऐसा कभी नहीं कहेगी। ओह माय, ये कितना भद्दा है और इसे सर से पैर तक मेकओवर की जरूरत है। वक्त हो गया। वैसे तुम दोनों मजे करना, काश मैं भी रेस में बहन के साथ दौड़ पाती। हाँ, अब तुम्हारे पास वो है। अब मैंने सोचा कि हम हर साल ये करते हैं, इस बार तुम मेरी बहन के साथ मिलकर कर सकती हो। एक दिन के लिए बहने? क्या बात कर रही हो? एक दिन, बस एक दिन। ये क्या चीज चालू है? मुझे नहीं लगता ये चालू है। हेलो, ये क्या है? जैसा तुम कहो, बेकार ही नए जमाने के भोपू। अब जिस इवेंट का तुम सबको इंतजार था, द सिस्टर सोशल्स, द सोशल हूज। ओ क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना वो बड़ी रेस? इस साल हमारे साथ 5 टीम्स हैं। इस इवेंट के लिए तो तुम सबको फिनिश लाइन पर जमा हो जाओ। सुना तुमने? एक दिन, गुड लक। सबसे अच्छी बहन जीतेगी। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। तुम ठीक हो एप्पलजैक? कोशिश थी, तुम बस जीतने ही वाले थे। थैंक यू एप्पलजैक, तुम लाजवाब हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते नहीं, पर बहुत मजा आया है ना? रैरिटी, रुको, एप्पलजैक कहाँ है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमने पहले ही कीचड़ के गड्ढे पर जगह बदल ली थी। तो हमने पूरा मुकाबला किया साथ मिलकर? हाँ बिल्कुल छोटी बहन। वेल, सिर्फ स्टार्ट लाइन को छोड़कर। पर तुमने फिनिश लाइन एक साथ पार की। तुम्हारा मतलब तुम्हें भी इसके बारे में पता था? हाँ। तुमने ये सब मेरे लिए किया? हमारे लिए, मैंने ये हमारे लिए किया। देखा, हम भी एप्पल पाई की तरह हैं। मैं बाद में समझाऊंगी, फिलहाल हमें साथ में जश्न मनाना चाहिए। Yeah!
कहाँ? स्पा में, बेशक। ओ डैडी। नहीं, मैं सीरियस हूँ। ठीक है, तो हम प्रिंसेस को क्या लिखने वाले हैं? मैं शुरू करूँगी। एक बहन होना दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है, पर ये बिल्कुल आसान नहीं। सही कहा, बहने होना बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। कभी कभी आपको झुकना भी पड़ता है, कभी कभी आपको एक दूसरे की कमियों को भी समझना पड़ता है, पर सबसे जरूरी है कि साथ मिलकर मजे करना, चाहे फिर इसमें आपको अपने पंजे ही क्यों ना गंदे करने पड़े। बहुत ज्यादा गंदे। थोड़ी बहुत गंदे। बहुत ज्यादा गंदे। थोड़ी बहुत गंदे। बहुत ज्यादा। रुक जाओ, रुक जाओ। कैसा रहेगा? मीडियम गंदे, ना कम ना ज्यादा। बिल्कुल सटीक। डील।